न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। रोहित शर्मा ने लंदन में पत्रकार को बेटी और पत्नी की तस्वीर लेने से किया मना। डब्ल्यूटीसी फाइनल के बाद इस खिलाड़ी का सफर हो जाएगा खत्म। शाहीन अफरीदी ने उड़ाए जोस बटलर के परखच्चे। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जब रोहित शर्मा ने लंदन में पत्रकार को बेटी और पत्नी की तस्वीर लेने से किया मना। जी हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 के लिए टीम इंडिया लंदन पहुंच चुकी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच 7 जून से शुरू होगा। जी हाँ, इस मेगा फाइनल से पहले रोहित शर्मा और उनकी टीम शनिवार को इंग्लैंड की राजधानी लंदन पहुंची। जैसे ही टीम की बस लंदन पहुंची, फैंस उनके चहेते क्रिकेटर्स के साथ तस्वीर निकालने लगे। रोहित शर्मा भी अपने फैंस के साथ तस्वीर खिंचाते नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम को कवर कर रहे पत्रकार विमल कुमार भी उस वक्त मौजूद थे। जी हाँ, बाद में विमल ने बताया कि कैसे रोहित शर्मा ने निम्रता से मना कर दिया। जब उन्होंने उन्हें से पूछा कि क्या वह अपनी पत्नी रितिका सचदेह और बेटी सारा शर्मा के साथ भारतीय कप्तान की तस्वीर सकते ले सकते हैं, हमने देखा कि भारतीय टीम जब भी किसी विदेश दौरे पर जाती है तो वहाँ भी फैंस उन्हें फॉलो करते हैं। जी हाँ, हालांकि टीम इंडिया अपने फैंस को कभी परेशान नहीं करती और जितना हो सके फैंस के साथ ऑटोग्राफ और सेल्फी लेती है। जी हाँ, डब्ल्यूटीसी फाइनल 7 जून से 11 जून तक ओवल में खोला जाएगा। जी हाँ, इस मैच से पहले दोनों टीम से अभ्यास शुरू कर दिया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पास आईसीसी इवेंट जीतने का शानदार मौका है। जी हाँ, हालांकि टीम इंडिया के दो स्टार खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत इस फाइनल मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे। डब्ल्यूटीसी फाइनल के बाद इस खिलाड़ी का सफर हो जाएगा खत्म। लगातार फ्लॉप प्रदर्शन को लेकर टीम इंडिया से छुट्टी होना तय। जी हाँ, भारतीय टीम 7 जून 2023 से ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल यानी डब्ल्यूटीसी फाइनल मुकाबला खेलेगी। जी हाँ, इस महामुकाबले के लिए टीम के 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान आईपीएल 2023 के बीच की ही किया गया है। जी हाँ, आईपीएल में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से फॉर्म से लौटने वाला एक खिलाड़ी तकरीबन 1.5 साल बाद भारतीय टेस्ट टीम में अपनी वापसी करने जा रहे हैं। जी हाँ, अब डब्ल्यूटीसी फाइनल जब उस खिलाड़ी के लिए अंतिम अवसर साबित हो सकता है। जी हाँ, यदि इस मैच में ये भारतीय बल्लेबाज बढ़िया प्रदर्शन कर देता है तो फिर आगामी विश्व कप के लिए भी चयनकर्ता उस खिलाड़ी के बारे में सोच सकते हैं। आखिरी मैच, आखिरी मौका। जी हाँ, आपको बताते चले कि अपने लास्ट चांस पर मैदान में उतरने वाला खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि भारतीय टीम का पूर्व टेस्ट कप्तान अजिंक्य रहाणे है। जी हाँ, जिन्होंने वर्ष 2021 में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज मैच भी जिताई। हालांकि उसके बाद से ही ये खिलाड़ी बेहद फ्लॉप साबित हुए थे, इसी कारण रहाणे के पास डब्ल्यूटीसी फाइनल आखिरी मौका है। जी हाँ, अजिंक्य रहाणे ने से डब्ल्यूटीसी फाइनल के बेहद ज़्यादा उम्मीदें भी फैंस द्वारा लगाई जा रही है। ऐसा इसलिए भी है कि उन्होंने हाल ही में आईपीएल के दौरान एमएस धोनी की चेन्नई बेहद की कमाल का प्रदर्शन का सबका ध्यान खींचा और बताया वही ये भी जा रहा है कि माही की मंजूरी के बाद भी अजिंक्य रहाणे का डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। जी हाँ, भावुक हुए रहाणे। गौरतलब है कि अजिंक्य रहाणे को की मौजूदा फॉर्म के देखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में उनकी जगह लगभग तय मानी जा रही है और ये मैच रहाणे के लिए करो या मरो का रहने वाला है। जी हाँ, हाल ही में बीसीसीआई ने एक वीडियो से भी जारी किया था जिसमें अजिंक्य रहाणे कहते हैं कि मेरे लिए भारतीय टीम में फिर से वापसी करना बहुत ही भावनात्मक पल है। जी हाँ, इस मुश्किल समय के दौरान मेरे परिवार ने मेरा पूरा साथ दिया। मेरा सपना तो आज भी टीम इंडिया के लिए खेलना है। बता दें कि अजिंक्य रहाणे भारत के लिए 82 टेस्ट मैचों में कुल 4,931 रन बनाए हैं, जो साधारण से थोड़ा ज्यादा है। जी हाँ, शाहीन अफरीदी से ने उड़ाए जोश बटलर के परखच्चे। खतरनाक यॉर्कर्स पर किया क्लीन बोल्ड। जी हाँ, इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जोस बटलर ने आईपीएल 2023 में तो धमाकेदार शुरुआत की थी, मगर सीजन के दूसरे हाफ में उनकी लय ऐसी बिगड़ी कि वह अभी तक नहीं संभल पाए। जी, आईपीएल खत्म होने के बाद बटलर इंग्लैंड में जारी टी20 ब्लास्ट में अपनी फॉर्म
ढूंढने पहुंचे जिया, मगर वहां भी उनके हाथ कुछ न लगा। नॉटी मशायर के खिलाफ हुए पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने उन्हें शानदार यॉर्कर पर बोल्ड किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिया। बटलर इस मैच में 16 गेंदों पर मात्र 23 रन बना आउट हो गए जिया। नॉटी मशायर के लिए पारी का पांचवा ओवर लेकर आए शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी गेंद बटलर को यॉर्कर डाली जिया। इस गेंद पर ये इंग्लिश बल्लेबाज कच्चा या गया और गेंद सीधा विकेट पर जाकर लगी जिया। बटलर इस खतरनाक यॉर्कर के आगे बेबस नजर आए। बटलर की यह T20 ब्लास्ट में तीसरी पारी थी और ये इस बार भी 25 रन का आंकड़ा पार करने में असफल रहे जिया। नॉटी मशायर के खिलाफ 23 रन पर आउट होने से पहले बटलर ने 11 और 1 रन बनाए थे जिया। बहरहाल बात मुकाबले की करें तो लंकाशायर के कप्तान लियम लिविंगस्टोन ने इस मैच में टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। बल्लेबाजों की निराशजनक प्रदर्शन के चलते उनका ये फैसला टीम पर भारी पड़ा जिया। लंकाशायर की पूरी टीम मिलकर 20 ओवर भी नहीं टिका पाई जिया। 18.3 ओवर में वो 145 रनों पर ढेर हो गई। नॉटी मशायर ने इस स्कोर को 7 गेंद और 5 विकेट रहते हासिल कर लिया। लंकाशायर की ये 7वें मैच में तीसरी हार है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज की ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर हाईकुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।